निकी। हाय आंटी। उमा। हाँ निकी आई है, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ आंटी। हाय निकी। ये लो उमा, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। थैंक यू। आंटी अंकल कहाँ है? आज विनोद आ रहा है, एयरपोर्ट गए हैं उसे पिकअप करने। क्या आज विनोद आ रहा है? तुम्हें नहीं पता था? अगर पता होता तो घर पे थोड़ी होता चाची। ये तो आ गया, मर गया। मैं लगेज लेकर आता हूँ पापा, आप अंदर चलिए। मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। विनोद आ गया। लक्ष्मी देखो अपना बेटा आ गया है। अरे निक्की बेटा तुम कब आए? अभी अभी। और यह है मेरा बेटा, मुंबई से आया है। हाय। माँ कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। अरे विक्की, विनोद आ रहा है पता नहीं। क्यों रे विक्की, अब तक तूने इसका साथ नहीं छोड़ा? बेस्ट फ्रेंड को कैसे छोड़ूं? बाय द वे सुना है तुमने एमएस कंप्लीट कर लिया? हाँ। तो आगे क्या करना है? इस शादी के बाद खुद का ऑफिस खोलूंगा। हाँ हाँ वो तो करोगे ही, तुम्हारे पापा का ही ऑफिस है, पापा ने कार दी, पापा ने पैसे दिए। जब खुद का कुछ करोगे ना तब मुझसे बात करना, समझे? इनका लेक्चर कब तक सुनना पड़ेगा यार? अंकल कार धूप में खड़ी है, मैं छांव में लगा के आता हूँ। इसकी उम्र में किसी ने फेसबुक बनाया था, क्या नाम था उसका? हाँ अभी हाल ही में उसने व्हाट्सएप खरीद लिया है और ये लड़का व्हाट्सएप मैसेजिंग में वक्त बर्बाद कर रहा है। विकी जाओ, तुम्हें बाहर बहुत काम है ना, इनका लेक्चर क्यों सुन रहे हो? तुम जाओ। इसी ने बिगाड़ा है। क्या हुआ, बुरा लगा? बचपन से ये सुनता आया हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुमने भी अच्छे से पढ़ाई की होती तो कुछ बन गए होते। पढ़ाई की बात ना ही करो तो अच्छा है। विकी लाइफ में कोई गोल तो होना चाहिए ना। किसने कहा मेरा कोई गोल नहीं है? तो क्या है बताओ? मेरे पापा की कंपनी को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे क्यों रिएक्ट किया? पता है तुम्हारे पापा के बिना तुम्हारी खुद की कोई पहचान नहीं है, यही बात अंकल कह रहे थे। निकी मेरे पापा ने मुझे चलना सिखाया है, अगर मेरी पहचान उनसे बनती है तो बुराई क्या है? मेरे सपने जरूरी है तो क्या उनके सपनों को आगे बढ़ाना जरूरी नहीं है? निकी मैं अपने पापा के बिना कुछ भी नहीं हूँ और यही सच है, वो मेरी ताकत है। पर एक दिन मैं अपने पापा की ताकत बनूंगा, ये सब करके सुकून मिलेगा, ये फेसबुक और व्हाट्सएप बनाकर नहीं। निकी तुम्हारा भाई स्मोक करता है और ये मुझे अच्छा नहीं लगता, और उसके अलावा सच कहूँ तो किशोर बहुत अच्छे हैं, वो जेंटलमैन है। पर तुमसे एक बात कहूँ, विकी भी जेंटलमैन है, धीरे धीरे तुम उसे जान जाओगी। निकी चलो घर चलें। हाँ तुम लोग जाओ, मुझे विकी घर ड्रॉप कर देगा। ओके थैंक्स। हाँ ठीक है चलो। हाय विकी। हे हे हाउ आर यू? आई एम गुड, ये है मेरे मंगेतर वामसी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। शादी कब है? इसी सितंबर में। अच्छा बड़ी जल्दी में। हम लोग चलें। उमा कहाँ है? भैया के साथ चली गई। ओके। विकी हाँ? ये कौन है? दूर की रिश्तेदार है। ओह ये कौन थी? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। व्हाट विकी तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से अब भी बात करते हो? हाँ। भले ही उनके दूसरे बॉयफ्रेंड से, फिर भी कुछ की तो शादी भी हो चुकी है। तो क्या तुम्हें जलन नहीं होती? अब इस दुनिया की सारी लड़कियां तो मेरे लिए बनी नहीं है ना निकी, वो उनकी लाइफ है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। पर हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता, जानते हो मंदिर में सुषमा मुझे देखकर जेलस फील कर रही थी। कुछ भी यहाँ शायद उसे लगा होगा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, उसके चेहरे पे साफ झलक रहा था। अगर कोई मेरी खुशी देखकर उदास है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर मैंने जानबूझ के दिल दुखाया है तो बेशक उसमें मेरी ही गलती होगी और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। गॉड विक्की तुम तो मुझे जेलस फील करवा रहे हो। यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। सच सच बताओ क्या जिंदगी में तुम कभी दुखी हुए हो? नहीं। सीरियसली कभी भी नहीं रोए? नहीं तो? बचपन में जब कभी खिलौने टूटे हो या कभी चोट लगी हो
जब चोट लगती थी तो दवा लगा लेता था, खिलौना टूटा तो नया खरीद लेता था। माँ के गुजरने पर भी नहीं। सॉरी। मुझे पैदा करके कुछ घंटों में माँ चल बसी। उनके मरने पर सब रोए तो बहुत होंगे, मैं भी रोया ही होऊंगा, पर कुछ याद नहीं। तो क्या तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होती? पापा ने महसूस नहीं होने दिया। ए छोटू। जी सर। बिल लेके। हाँ सर, आ रहा हूँ। हाय आंटी। हाय निकी। उमा कहाँ है आंटी? फ्रेंड्स को इनविटेशन देने गई है, 15 मिनट में आ जाएगी, तब तक तुम उसके कमरे में बैठो। ओके आंटी। ठीक है। आखिर तुम इसे मार क्यों रहे हो? से मैं ये गिफ्ट्स पैक कर रहा हूं। इससे मदद मांगी तो बोलता कि निकम्मों की मदद नहीं करेगा। हे, तूने मुझे मारा? पापा को बोलता हूँ। जा बोल। हाँ बोलूंगा। तुम्हारे चाचा बहुत गुस्सा होंगे। हाँ तो होने दो। पापा पापा। ए शिव प्रसाद, मारा शिव प्रसाद। ए मारा रे शिव प्रसाद। हाँ जी। हाँ भाई, क्या हुआ? तेरी तो मेरे पैसे कब देगा रे तू? भाई मेरी बात तो सुनिए। देखिए, घर पर मेहमान है, मेरी इज्जत का तो ख्याल कीजिए प्लीज। क्या? भाई कॉलेज छोड़ दीजिए। इतनी फिक्र है तो कर्जा काहे को ले रहे हो? कुछ दिन की मोहलत दीजिए। पैसा कब देगा ये बता मेरे को। भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी का अभी पैसा चाहिए। देखिए मेरी बात तो सुनिए। क्या बात करेगा तेरे से? और क्या बोलता? बोल। छोड़ो, पहले छोड़ो, छोड़ो उसे। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? चलो हम लोग बैठ के बात करते हैं। तुम्हारे भाई ने 25 कोके का कर्जा लिया है, 6 महीने से देने का नाम नहीं, 3 महीने से ऑफिस में दिख नहीं रहा है, फोन भी नहीं उठाता है, अभी क्या करूं? ये सच है कि मैंने पैसे उधार लिए हैं। तिम्मापुर में मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया है, अब मार्केट में मंदी चल रही है और सेल बिल्कुल डाउन है, तो मैं इनके पैसे लौटा नहीं पाया। ठीक है, हमारे घर में शादी होने वाली है, पैसा चुकाना मुश्किल होगा, इसीलिए तो मैं वसूली करने के लिए आया। मैं पैसे लिए बिना जाऊंगा नहीं। क्या भाई, मुझे सिर्फ 3 महीने की मोहलत दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। नहीं हो सकता है। देखिए ये शादी होने दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ए, मेरे को विश्वास नहीं है। देखिए आप जहां चाहो मैं साइन करने को तैयार हूं। ये क्या कह रहे हो? नहीं कोई बात नहीं, मैं संभालूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ए, हाँ भाई, स्टाम्प पेपर क्यों नहीं रे? अरे इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। कोई बात नहीं भैया, आप टेंशन मत लीजिए। बेटे को बोल साइन करने को। हाँ? मेरे बेटे की साइन किस लिए? तो पलटी खा गया तो, या तो टपक गया तो, कर्जा कौन चुकाएगा? बोला उसको। विनोद बेटा, साइन मैं नहीं कर सकता। साइन कर देना बेटा, मैं सब संभालूंगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं संभाल पाए तो? दिस इज टू मच प्रेशर फॉर मी, मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, सो डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। और वैसे भी आपने जो गलती की उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? मैं नहीं करूंगा। विनोद आई एम सॉरी। तेरे छोकरे को तेरे पे भरोसा नहीं है, मैं कैसे करूं? बच्चों को इसमें मत घसीटो, मैं साइन कर दूं तो ठीक रहेगा? तुम साइन करते तो मेरे को चलेगा। तुम्हारे बेटे की भी साइन चाहिए मेरे को। उम्मीद करोगे वो पैसा चुका नहीं सके, फिर ये बंगला अपने बाप का।
कहाँ रख रहे हो उसे? वहां ले जाके रखो, चलो। ए मामा, गेट खोलो जल्दी। मैं नहीं खोल सकता, चाबी उनके पास है। ए, तुम लोग बहुत काम चोर हो, ठीक से काम नहीं कर सकते क्या? इधर आओ, जाओ चाबी लेके आओ, जाओ। नाराज लग रहे हैं, पूछूंगा तो डांट पड़ेगी। ए, चाबी लेके आ रहे, जल्दी लाता हूँ। ए, अब तक टीचर क्यों नहीं आया? उससे कहो कि जल्दी आए, कितना लेट हो रहा है, जल्दी जाओ। ओके सर, जाओ। ए, चाबी दे। मैंने आपसे कहा था ना, बहुत गुस्से में लग रहे हैं। कहाँ वहाँ पंगा ले लिया आपने? ये तो खड़े खड़े क्या कर रहा है, काम कर अपना। चाबी ले क्या? ठीक है भाई। उसका थोबड़ा फोड़ डालो, जाओ जल्दी। चलो छोड़ेंगे नहीं। डेकोरेशन खराब कर दिया तुम लोगों ने। अंकल, हाँ बेटा, इसे ठीक करने में कितना टाइम जाएगा? ठीक करने में काफी वक्त लग जाएगा। नहीं चल सकते, माफ कर दो, दोबारा नहीं करूंगा।